डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर है 20। आज हम इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल करेंगे। पेज नंबर 83, 3.1 स्टेटमेंट देखेगा, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास? कि एक बॉडी है, उसके ऊपर अगर 20 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए तो उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो व्हाट इज इट्स मास? आपने मास फाइंड आउट करना। अब गिवन डेटा में फोर्स है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि मास आपने फाइंड आउट करना। अब आपने इसी चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक पढ़ा था न्यूटन्स का सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ की आपने लास्ट इक्वेशन प्रूफ की थी, F is equal to ma। तो यहां पे न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, F is equal to ma। अब मास फाइंड आउट करना, a इधर मल्टीप्लाई करना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मास आ गया F over a। तो मास इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 20, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2, 2 1 आर 2, 2 10 आर 20, तो मास की वैल्यू आ गई आपके पास 10 केजी। अब क्लास इसी पेज पे 83 पे 3.2 न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट देखिएगा, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। एक बॉडी है जिसके वेट की वैल्यू है 147 न्यूटन। आपने उस बॉडी का मास फाइंड आउट करना, तो आपने इसी चैप्टर में टॉपिक मास और वेट के दरमियान जो फर्क था उसमें आपने वेट का फार्मूला पढ़ा था, W is equal to mg, weight is equal to mass multiplied by gravity। अगर आपने यहां से mass find out करना, g इधर multiply हो रहा, उधर जाके divide, तो mass is equal to W by g। अब weight की value है 147 newton और gravity की value होती है 10, तो 147 को अंदर के 10 पे divide करें, तो mass आ जाएगा 14.7 kg। ये इसका answer है। अब पेज 83 पे न्यूमेरिकल 3.3, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी फ्रॉम फॉलिंग। के ऊपर से फॉर एग्जांपल एक 10 केजी की बॉल है, वो किसी ने गिराई, तो उसको रोकने पे जो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी अपने हाथों से या मुजाहमत करनी पड़ेगी, वो आपने फोर्स फाइंड आउट करनी। अब गिवन डेटा मास है 10 केजी। अब आपको पता है क्योंकि वो नीचे की तरफ मूव कर रही है बॉल, तो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट होगी, तो वी नो दैट F इज इक्वल टू W इक्वल टू mg के इक्वल होता है। अब मास आपके पास 10, g की वैल्यू 10, तो 10 10 का कितना आ जाएगा क्लास 100 न्यूटन। तो आपके पास 3.3 फोर्स का न्यूमेरिकल का फोर्स का आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। अब क्लास इसी पेज पे 3.4 न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट देखिएगा, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 केजी। कि एक बॉडी है जिसका मास है 50 केजी, उसके ऊपर अगर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए तो उसमें कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। सेम 3.1 न्यूमेरिकल के अंदर फोर्स, मास और a, कौन सा फार्मूला लगेगा? न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू m a। तो यहां से a फाइंड आउट करना, m मल्टीप्लाई करना के डिवाइड, तो फोर्स की वैल्यू पुट करें 100, मास की वैल्यू पुट करें 50, 51 का 50, 52 का 100, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इस 3.4 का आंसर है। अब क्लास इसी केस पे 83 पे न्यूमेरिकल 3.5, स्टेटमेंट देखिएगा, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट है 20 न्यूटन, how much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square। aapko kitni force required hogi ki aap us body ko upar ki taraf move karwaye 2 meter per second square ke acceleration ke sath। ab class weight hai 20 newton, acceleration hai 2 meter per second square, aapne force find out kar li, yahan pe maine f dash kiya hai, आप इसको नेट फोर्स से रिप्रेजेंट कीजिएगा। नेट फोर्स हमने फाइंड आउट कर दी। अब क्लास वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। यहां से मास फाइंड आउट किया आपने, वेट ओवर g, वेट आपके पास 20, g की वैल्यू 10,
10 बंदा 10, 10 टू जा 20, तो मैथ आ गया आपके पास 2 केजी। तो यहां पे न्यूटन का सेकंड अप्लाई करें, F इक्वल टू एम ए, मैथ आपके पास आया 2, एक्सेलरेशन आपके पास 2, तो 2 टू आर आ गई 4 न्यूटन। एक तो फोर्स आ गई आपके पास 4 न्यूटन, जबकि वेट बताते खुद एक फोर्स है। तो यहां पे नेट फोर्स अप्लाई करेंगे, जो दोनों फोर्सिंग होंगे, एक तो वेट बताते खुद फोर्स 20 न्यूटन, और जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, वो आपके पास आ गई 4 न्यूटन। तो 20 में 4 को प्लस करें तो ये आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी 24 न्यूटन। ठीक हो गया, एक तो वो फोर्स है जो आपने अप्लाई की और एक बताते खुद वेट की फोर्स है, उन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेट फोर्स का, और नेट फोर्स होती है 24 न्यूटन। जज़ाकअल्लाह।